हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहां पर एक और पीवाईक्यूज ऑफ द डे लेके आया हूं। और आज हम यहां पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जैम में आ चुका है। तो यस फ्रेंड्स, आज हम यहां पर एक और आपके लिए पीवाईक्यूज ऑफ द डे लेके आए हैं। इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमको बताना होता है, और नेक्स्ट डे मैं फिर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स आपके लिए हम एक और पीवाईक्यूज ऑफ द डे लेकर आए हैं। तो ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका कहां पर आ चुका है, आईआईटी जैम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सर आपने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी यहाँ पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं जो आईआईटी जैम के इस चैनल के ऊपर हैं, तो अभी जाकर आप देख लीजिए, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एक एक प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिए और उसमें मेरे वीडियोस हैं, आप जाकर उनको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज मैं आपके लेके आया हूँ और किस सब्जेक्ट का ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये कौन से इसका क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इलेक्ट्रो डायनामिक्स से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके बता देता हूँ। ए स्मॉल लूप ऑफ वायर ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर and n is equal to 40 tons and radians r is equal to 20 ohm is initially kept in a uniform magnetic field B in such a way that the field is normal to the loop when it is pulled out of the magnetic field. So a total charge of q is equal to this through the coil. So the magnitude of the magnetic field B, options hai hamare paas a b c d। तो फ्रेंड देखो, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक स्मॉल लूप है किसी वायर का, जिसका जो एरिया आपको दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखता हूँ तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 0.01 मीटर स्क्वायर आपको दी गई है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो एन है वो आपको 40 टन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर रेडियंस आप सॉरी रेजिस्टेंस आपको दिया गया है वो आपके पास है यहाँ पे 20 ओम का। ठीक है, इनिशियली कैप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इनिशियली यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पर ये जो हमारा है ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मतलब यहाँ पर जो बी है वो आपका कैसा है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा गया है इन अ सच वे दैट द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप, मतलब ये इस तरीके से रखा गया है कि जो आपका फील्ड है वो नॉर्मल के कैसा है फ्रेंड्स, सॉरी जो आपका फील्ड है वो लूप के कैसा है, नॉर्मल है। मतलब अगर ये आपका लूप है तो इनिशियल में फील्ड आपका कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि नॉर्मल टू द लूप। व्हेन इट इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से खींचते हैं तो एक टोटल चार्ज, तो उस तो इतना चार्ज यानी कि q इज इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁵ कूलम, सही है, फ्लो थ्रो द चार्ज है ना, कोइल द, मतलब जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से खींचते हो तो इतना चार्ज उस कॉइल के अंदर फ्लो होने लगता है। तब आपको यह बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको उस मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स एक बार मैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझा देता हूँ। एक आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, एक आपके पास लूप है, ठीक है, उसका रेडियस और उसका आपको टर्न्स और उसके आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में
हमने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ, यानी कि नॉर्मल टू द लूप है, ठीक है, हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब मैं अपने लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, तो उसमें इतना चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जा रहा है। कितना चार्ज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू 2×10⁻¹⁵। इतना चार्ज उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तब आपको ये बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया है जिसकी वजह से इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जैम में आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, चीटिंग नहीं करनी है, है ना। चीटिंग नहीं करनी है का मतलब यह है कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं देखना है, ठीक है। किसी वेबसाइट पर जाके नहीं देखना है, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखना है, किसी से पूछना भी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करो। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बुक्स पढ़नी पड़े, बुक बैठ के पढ़ो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके लिए आप चीजों को देख सकते हो, लेकिन इसका सॉल्यूशंस आपको कहीं से भी नहीं देखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो कि इसका आंसर ए होगा। ए का मतलब है 1×10⁻³ टेस्ला। ऑप्शन बी हमारे पास है 4×10⁻³ टेस्ला, ठीक है। फिर जीरो है, फिर है आपके पास यहाँ पर की जो आपको क्वेश्चन में डिटेल दी गई है वो आपके इनसफिशियंट है। तो आप मेरे को बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए बी सी और डी में से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर बताइए, मैं कल आपको इसका आंसर यहाँ पे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इस क्वेश्चन को आपको देके जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।